नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है बीएसएनएल की तरफ से, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। बीएसएनएल पेंशनर्स 12 को संसद भवन तक निकालेंगे मार्च। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशनर एसोसिएशन की कार्यकारिणी की मीटिंग एमएल चौपड़ा की अध्यक्षता में इंदिरा पार्क में हुई। इसमें फैसला लिया गया कि दिल्ली के ईस्टर्न कोर्ट से संसद भवन तक 12 मार्च को एसोसिएशन मांगों को लेकर मार्च निकालेंगे। यह मार्च ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशनर एसोसिएशन सेंट्रल हेड क्वार्टर के आह्वान पर की जाएगी। इसमें हरियाणा प्रेसिडेंट रामकुमार, कलसी, अम्बाला एसोसिएशन के प्रधान एमएल चौपड़ा व संरक्षक जेपी गुप्ता अपने विचार रखे। इस दौरान रामचंद्र, मंगताराम, भगतराम, प्रेम, सागर, राजेंद्र, शर्मा, राजेंद्र, ठाकुर, गुरदीप, सतिंद्र, इंद्रजीत, कुमार, राजकुमार, धीमान, रारल, अनिल गुप्ता व अन्य कई सदस्य मौजूद थे। साथ ही वीआरएस स्कीम के तहत रिटायर्ड हुए अन्य सदस्य भी एसोसिएशन में शामिल हुए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहेगी।